गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर बायोलॉजी क्लास। इन माई लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम एंड टुडेज टॉपिक इज वैक्टर्स। ओके, वॉट इज वैक्टर्स एंड द रोल ऑफ वैक्टर इन द बायोटेक्नोलॉजी। सो वैक्टर क्या है? जैसे कि हम लोग डिसीज़ को स्प्रेड करने के सेंस में अगर हम बात करें तो कुछ वैक्टर्स होते हैं। अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया का वैक्टर कौन है? मॉस्किटो, जो कि मलेरिया को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाने का काम करता है। और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? प्लाज्मोडियम। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में जो वैक्टर होता है वो क्या करता है, एक एनिमल से जीन को उठा के, जो वो जीन क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका, जो कि आपको दूसरे बॉडी में, दूसरे एनिमल में या प्लांट में या वायरस में या बैक्टीरिया में इंसर्ट कराना है, ठीक है, वो किसी मीडियम के थ्रू जब होता है तब उसको वेक्टर कहते हैं। वो मीडियम जो है वो वेक्टर का काम करता है। वो वेक्टर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक उस तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जाता है। तो जैसे हम लोग अगले एग्जांपल पढ़ते हैं इंसुलिन का, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें इंसुलिन बनता नहीं है, तो क्या होता है, अगर इंसुलिन ऊपर से दिया जाता है इंजेक्शन के फॉर्म में, तो उस इंसुलिन का प्रोडक्शन भी तो करवाया जाएगा, तभी तो हमारे मार्केट में अवेलेबल हो पाएगा वो इंसुलिन। वो तो ह्यूमन बॉडी में मिल रहा है, अब ह्यूमन बॉडी से हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग में यूज़ हुआ है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको निकालते हैं ह्यूमन सेल से, ठीक है। फिर प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह काम करता है। वो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम प्लाज्मिड में ऐड करते हैं या ऐड करवाते हैं, और फिर प्लाज्मिड को होस्ट सेल, जो कि मेनली बैक्टीरियल सेल होती है इन द केस ऑफ प्लाज्मिड, अगर हम प्लाज्मिड एज ए वेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसको फिर हम बैक्टीरियल सेल में डालते हैं। बैक्टीरियल सेल में जो प्लाज्मिड होता है उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ बनती हैं, वो उसका क्रोमोसोम डिवाइड करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। जब उसका क्रोमोसोम डिवाइड करेगा तो हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उस प्लाज्मिड में लगाया है वो भी तो रेप्लिकेट होगा, तो हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट की नंबर ऑफ कॉपीज़ मिल जाती हैं इसके थ्रू। तो यही हमारा मेन मोटिव है, एक जगह से दूसरी जगह तक जो लेके जाता है वो वेक्टर का काम करता है। मोस्टली हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मिड क्या है, एज ए वैक्टर यूज इन द बायोटेक्नोलॉजी। तो जो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड है क्या पहले ये देखो, इन ह्यूमन सेल वेक्टर यूज्ड इज रेट्रोवायरस। ह्यूमन सेल में अगर ह्यूमन सेल से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं और किसी दूसरी चीज़ में डालते हैं तो रेट्रोवायरस यूज़ कराया जाता है। अगर हमें बैक्टीरिया में किसी चीज़ की कॉपीज़ चाहिए तो हम प्लाज्मिड का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, DNA है वो भी एक्चुअल में। तो प्लाज्मिड एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है बैक्टीरियल सेल में। ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड DNA, हमेशा प्लाज्मिड क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, सर्कुलर है, ठीक है, गोल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, मतलब इसका मेन DNA से इसको कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, नॉन असेंशियल है, ये नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग पीस ऑफ DNA, अपने आप रेप्लिकेट करता है, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। रीज़न वाई वी पुट वेक्टर, अब हमारा रीज़न क्या है कि हमें वेक्टर की ज़रूरत क्यों है, हम ऐसे भी तो डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं तो उसके सर्वाइवल के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, और डायरेक्ट इंसर्ट करना इतना इजी नहीं होता होस्ट सेल में, इसीलिए वेक्टर की ज़रूरत होती है। और क्या रीज़न है हम वेक्टर यूज़ करते हैं या प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, ताकि नंबर ऑफ कॉपीज़ का मतलब क्लोन्स, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो हमें चाहिए है उसकी कॉपीज़ बहुत ज़्यादा बनती है जब हम वेक्टर यूज़ करते हैं। ये एक और रीज़न है कि हमें वेक्टर यूज़ करना चाहिए। जीन क्लोनिंग कैन डू इन PCR ऑल्सो, बट जो जीन क्लोनिंग में क्या होता है, PCR में भी हम नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाते हैं, बट उसमें जो इनिशियंशी है, जो रिलायबिलिटी है, वो कम हो जाती है। लेकिन जब प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन होती है तो उसकी रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, इसीलिए वेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेक्टर में सबसे पहले देखो, कहीं से भी डिवाइड होना स्टार्ट नहीं होता, या कट होना जो है वो एक पर्टिकुलर पार्ट से कट होता है, स्पेसिफिक साइट है, तो उसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे कि स्टिकी एंड्स, तुम लोग को बताए थे प्लाज्मिड में क्या होता है, स्टिकी एंड्स होते हैं,
मतलब वो कटता कैसे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एंजाइम की हेल्प से। देन हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो रेड कलर से शो करा गया है वो हम उसमें इंसर्ट करवा देते हैं। अब जो रिकॉम्बिनेंट वर्ड आता है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये है ऐसा डीएनए, ऐसा पार्ट जिसमें उसका खुद का भी डीएनए हो और जो हमें ऐड करवाना है, जो हमने ऐड करवाया है वो भी डीएनए प्रेजेंट हो, तब उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में अपना खुद का डीएनए भी है क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर है, और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अगर उसमें ऐड हो जाता है तब उस टाइम उसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन होता है नए जीन का, दो या दो से ज़्यादा टाइप के जीन का कॉम्बिनेशन होता है तब उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। अब क्या हो सकता है, देखो दो केसेस हो सकते हैं, दो क्या फिर तीन केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टिकी एंड्स हैं, स्टिकी एंड्स क्या हो सकते हैं, जैसे दो हमने यहाँ कट लगवाया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, ये पोर्शन इतना खाली है मतलब ये इसके स्टिकी एंड्स हैं, तो ये स्टिकी एंड आपस में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, एक ये कंडीशन भी तो हो सकती है आपस में जुड़ जाए। या फिर जो स्टिकी एंड्स हमने फ्री करवाए हैं किस लिए, ताकि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐड करवा सकें, तो या तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जब इसमें ऐड हो जाएगा तब इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए भी होगा और हमारा डीएनए भी होगा तब ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, और जब इसमें केवल इसका खुद का होगा तब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। ठीक है, सो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों टाइप का वेक्टर बन सकता है, ये भी एक हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है। उसके बाद ये प्लाज्मिड हमारा तैयार हो गया जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, अब हमें इसको एंटर करवाना है होस्ट सेल में, और होस्ट सेल क्या होगा, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्लाज्मिड है, ये एंटर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है, वो किसी भी प्रोसेस से हमने करवाया है तो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा एंटर कर ही जाए, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि इसमें एंटर ही नहीं करा, तब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल का मतलब ये है इसमें कोई फॉरेन जीन वाला प्लाज्मिड आया ही नहीं। दूसरा क्या आएगा, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कैसे बनेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के थ्रू जिसमें केवल उसी का डीएनए होगा, हमारा वाला डीएनए नहीं होगा, तब इसको कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल। और एक कंडीशन क्या हो सकती है, जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला डीएनए प्लाज्मिड यहाँ ऐड कर जाए सेल में, होस्ट सेल में, तब इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो तीन सिचुएशन हो सकती हैं, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें कोई जीन इंसर्ट ही नहीं होगा, ठीक है। देन फिर क्या होगा, अब देखो अब इन तीनों को हम अलग कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें तो ये वाला चाहिए जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड है, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो हम इसको मिक्सचर से अलग कैसे करेंगे, तो उसको अलग करने के लिए आता है सेलेक्टिवल मार्कर्स। सेलेक्टिवल मार्कर्स जो हैं वो जैसे कहते नहीं है कोई चीज़ हमने लगाई, ठीक है, तीन माना कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में बहुत सारे बर्तन हैं, तीन गिलास हैं, तो हम अपने अब हमारा गिलास कहीं गया हम उसको अलग कैसे करेंगे, या हमने कोई निशान लगा दिया, मींस मार्कर से कोई निशान लगा दिया जिस तभी हम पहचान पाएंगे ये हमारा गिलास है। अगर दो तीन गिलास सेम है तो हर घर में, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा गिलास कौन सा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो आया है वेक्टर या होस्ट सेल वो नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप का है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट टाइप का है या रिकॉम्बिनेंट टाइप का है, तो उसके लिए यूज़ होता है सेलेक्टिवल मार्कर्स। प्लाज्मिड के अंदर ऐसे जीन हैं जो ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्मेंट है कौन सा नहीं है, तो जो प्लाज्मिड है उसके अंदर ही खुद ऐसे जीन प्रेजेंट होते हैं जो ये काम करते हैं और उनको सेलेक्टिवल मार्कर कहा जाता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, और ये मेनली क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो होते हैं वो प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है जो बैक्टीरिया को मार देता है। अब क्या हो करेंगे हम लोग, जैसे कि एक हमने प्लेट ली,
ठीक है, उसमें एग्रोस जेल डाल दिया और टेट्रासाइक्लिन डाल दिया। अब टेट्रासाइक्लिन डाल दिया तो हमने जो तीन जो ऊपर कॉलोनी थी, ठीक है, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाली, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली, एक रिकॉम्बिनेंट वाली, उसको हमें सेपरेट करना है इन दोनों से। मतलब हमें अपना ये वाला चाहिए रिकॉम्बिनेंट वाला, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करना है। तो जो प्लाज्मिड होगा उसमें क्या प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक जीन रेसिस्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारा वाला जो प्लाज्मिड है उसमें ये जीन प्रेजेंट है, ठीक है, और इसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में तो कोई जीन एंटर ही नहीं करा है, तो ये डेड हो जाएगी उस सॉल्यूशन में जहाँ पे हमने टेट्रासाइक्लिन डाली है। तो कल्चर प्लेट में जो जिंदा रहेगा उसकी कॉलोनी बननी लगेगी। वी कैन सेपरेट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ऑल्सो, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। इससे, इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, तीनों तरीके के जो प्लाज्मिड है उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज यहीं तक रखते हैं, आगे हम देखेंगे PVR 32 का स्ट्रक्चर, 322 का स्ट्रक्चर और इसका रिमेनिंग पार्ट। ओके, थैंक यू।